तो हेलो गाइड्स, तो गाइड्स आज की वीडियो में आप लोगों को जो हमारी ये ड्यूल की जो एलएमबी है और पावर डिवाइडर, इनसे कैसे सिंगल क्वालिटी सेम आती है या अलग आती है, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि जैसे इसके अंदर सिंगल क्वालिटी आ रही है 95, तो क्या हमारी इसी एलएमबी के अंदर भी 95 आएगी दोनों सॉकेट के अंदर। तो इस तरीके से चेक करना कि पावर डिवाइडर लेना सही होता है या ड्यूल की एलएमबी। और आप लोगों को पता ही होगा पावर डिवाइडर हमारे को मिलेगा एकदम सस्ता, जबकि ड्यूल की एलएमबी थोड़ी महंगी मिलती है। इसीलिए आप लोगों को आज मैं चेक करके बता रहा हूँ कि आप लोगों को कौन सा लेना सही रहता है। तो चलो इस एलएमबी को मैं खोल लेता हूँ पहले, और फिर ड्यूल की एलएमबी लगा के इसकी जो सिंगल क्वालिटी है दोनों पॉइंट के अंदर कितनी आती है, दो सेटअप बॉक्स लगा के वो भी आप लोगों को मैं चेक करा देता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये लेना सही है या ये। तो पावर डिवाइडर का आप लोगों को यह फ़ायदा होगा कि पावर डिवाइडर आप नीचे भी कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन एलएमबी जो ड्यूल की वाली है वो आप लोगों को छत पे यहीं पे एंटीना के पास ही लगानी होती है। तो एक तो यह फ़ायदा होता है पावर डिवाइडर का। तो क्या पावर डिवाइडर और एलएमबी में अगर दोनों में सेम है तो आप लोगों को रहेगा पावर डिवाइडर लेना एकदम सही। चलो इसको लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो ये सफ़ेद वाला वायर है, ये मेनली इसे लगा देते हैं एलएमबी की एक पॉइंट में यहाँ, और इस पॉइंट में लगाने के बाद में एक पॉइंट और लगा देते हैं यहाँ पे। तो गाइस ये दोनों सेट बॉक्स हैं, एक एलएमबी से कनेक्ट हैं। तो गाइस आप लोग देखिए जो हमारी तो सिंगल क्वालिटी आ रही है वो 83 आ रही है, दोनों में सेम क्वालिटी आ रही है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दिया था वो टी वाला सॉकेट वाला, उसके अंदर आप लोगों ने देखा एक में 95 था एक में था 75, तो उनमें इतना फ़र्क था। इसीलिए मैंने आप लोगों को ड्यूल की एलएमबी लेने के लिए बोला था। आप लोग देखिए एकदम क्वालिटी आ रही है अभी इसमें 83 दोनों में सेम क्वालिटी आ रही है। तो भाई इस तरीके से आप लोग भी लेना है तो ड्यूल की एलएमबी लेना एकदम सही रहेगा। आप लोगों के पास मैंने कहा था ना सस्ते जो सेटअप बॉक्स उनके अंदर नहीं चल पाएगी वो टी सॉकेट। तो चलो आप पावर डिवाइडर लगा के देख लेते हैं एक बार। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस एलएमबी को चेंज कर लेना है और केवल पावर डिवाइडर लगाना है। तो इस एलएमबी को मैं यहाँ से खोल लेता हूँ ड्यूल वाली को, और सिंगल की यहाँ पर एलएमबी लगा लेंगे, और उसके बाद हम पावर डिवाइडर लगा के देखेंगे हमें सेम क्वालिटी मिलती है यहाँ से या कुछ डिफरेंट रहता है। ज़्यादातर तो ड्यूल की एलएमबी एकदम सही रहती है, क्योंकि इससे हमें जो सिंगल क्वालिटी वो हमें अच्छी मिलती है। एक तो यहाँ पर ये वापस सिंगल वाली एलएमबी लगा देते हैं एक बार। और यहाँ एक अलग पॉइंट वाला वायर लगा देते हैं जो हमें पावर डिवाइडर को देना है। अब जो वो ये हमारा पावर डिवाइडर है, इस पावर डिवाइडर को लगाना होगा हमें इस वायर के साथ में अलग से। तो इसको किसी पॉइंट में लगा सकते हो पावर डिवाइडर के, इस पॉइंट में जैसे लगा दिया आप लोगों ने। तो अब इस सेटअप बॉक्स का एक वायर इस साइड में लगा देते हैं, और इस सेटअप बॉक्स का एक इस साइड में लगा देते हैं इस तरीके से। तो गाइस आप दो तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो जो हमारी पावर डिवाइडर के अंदर जो क्वालिटी आई है वो हमारी ड्यूल की एलएमबी में नहीं आई पाई। आप लोग देख सकते हो 90 या 93। तो गाइड्स जो हमारी ड्यूल की एलएमबी नहीं मिली हमें, क्वालिटी वो मिल रही है हमें इस पावर डिवाइडर से और इस एलएमबी से। तो गाइड्स आप लोगों के लिए लेना एकदम सही रहेगा पावर डिवाइडर, एक तो सस्ता पड़ेगा गाइड्स, एक पावर डिवाइडर आप कहीं भी लगा सकते हो। तो आई होप गाइड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए आप लोग ऑन, जिससे मेरी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहेंगे, और इससे बहुत से टेक्निक वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।